सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो ये अभी दोपहर का टाइम है और आज मैं शाम को जो है जो डिनर बनाने वाली हूँ, लाइक मैं मैरिनेट सोया चाप बनाने वाली हूँ, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ लंच के साथ साथ। बगल में लंच भी बन रहा है और सोया चाप मैं यहाँ फ्राई करके अभी रख दूँगी। लंच चल रहा है मेरा, रेडी कुक हो रहा है बगल में, और ये सोया चाप मैं अभी फ्राई करके रख लूँगी। सोया चाप को मैं मीडियम टू लो फ्लेम में जो है फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं इसको मैरिनेशन की प्रोसेस करूँगी, वो आगे मैं बताऊँगी। तो लो टू मीडियम फ्लेम में जो है ये फ्राई करने से देखिए कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, फूल जाते हैं और बहुत अच्छे से ये जो अगर फूल गए ना इस तरह से, तो मींस ये इसके अंदर अच्छे से एयर बन गई है और जो मैरिनेशन है ना वो अच्छे से इनके अंदर फिल हो जाएगी, मतलब ये सोक कर पाएंगे अच्छे से मैरिनेशन को। तो चलिए, अब शाम का टाइम हो गया और ये शाम की चाय मैंने रख दी है, तो अब चाय पी लेते हैं, उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बारिश कहाँ इतनी तेज हो रही है? जी बारिश, बारिश। हेलो दोस्तों, यहाँ पे बारिश चली होगी तो यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरे साथ मम्मी आई है। और पता है दोस्तों, मैं यहाँ पे भीगने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि यहाँ पे आना हूँ बारिश के लिए, खेलने के लिए। तो वही जो तो होता है जो मैं वेलकम बैक टू आवर चैनल, मैं हूँ मोमिन बॉल। कैसे हैं आप सब? खूब सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है फ्राइडे, आज है फ्राइडे और अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं, मतलब 6:30 बजे का टाइम है। चाय बन गई है, चाय पी रहे हैं, डिनर की भी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो गई है। मैं सोया चाप बनाऊँगी मैरिनेट करके, तो मैंने जो सोया चाप थे वो फ्राई कर लिए थे लंच के टाइम पे। और ये मिस मायका ना मेरे पीछे पड़ी है बलून देने के, बलून लेना चाहती है मुझसे, पर मुझे नहीं पता बेटा, पापा को पता कहाँ बलून? अरे नहीं पता रे बाबा, पापा से लो, पापा को बोलो, पापा चढ़ जाएंगे वहाँ, मैं पहुँच नहीं सकती। पापा को बोलो, पहुँचो, मम्मा को बोलो, पापा को बोलो। तो चलिए मैरिनेट करना है इसको, मुझे दही में मैरिनेट करूँगी, थोड़ा सा मसाले डाल के जो मैरिनेशन के मसाले होते हैं। ऑलरेडी ये कुक्ड है, मतलब 98% ही कुक्ड है, 2% ही क्रिस्पी हो जाएगा। ओवन में डाल के इसको बेक कर दूँगी, पर पहले मैरिनेशन तैयार कर देती हूँ, साथ में चाय भी पी लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने निकाल दिया है, इसमें मैं सिंपल मैरिनेशन करूँगी दही से, और नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया जो बेसिक डालते हैं वो सब मसाले डालूंगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी, और मेरे पास यहाँ पे जो है धनिया पुदीने की चटनी है तो मैं वो भी डालूंगी मैरिनेशन के लिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। इसमें ऑलरेडी गार्लिक भी डाला हुआ है और जीरा भून के डाला हुआ है और नींबू डाला हुआ है, मतलब नींबू का रस, जीरा, गार्लिक और धनिया पुदीना ये इसमें है पेस्ट में, तो बस जो चटनी है तो मैं ये भी इसमें डालूँगी और मिंट थोड़ा सा और डालूँगी ड्राई। तो चलिए मैरिनेट करते हैं स्टार्ट। सोया चाप जो है रख ली है, पहले डालती हूँ इसमें धनिया पुदीने की चटनी जो मैंने बनाई थी। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं भी है तो आप कसूरी मेथी वगैरह डाल सकते हैं। कसूरी मेथी मैं नहीं डाल रही क्योंकि मैं धनिया पुदीना डाल रही हूँ इसलिए। तो ये मैंने डाल दिया, ये
लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो मैंने धनिया की चटनी डाली है पर स्टिल बाइंडिंग अच्छी मिल जाती है इससे। और नमक, तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। इसमें थोड़ा सा और डालूँगी, थोड़ा सा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा ही डालूँगी। और ये थोड़ा मिंट है, क्रश करके इसको, कसूरी मेथी की जगह मैं मिंट डाल रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल डाल सकते हैं, कसूरी मेथी डालें या मिंट डालें, दैट इज़ ऑल अप टू यू। मैं मिंट डाल रही हूँ, मिंट का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब थोड़ा सा कर्ड, तो अब इसको जो है मैरिनेट कर देते हैं। तो ये मैरिनेट करने के लिए हो गया रेडी। मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ 45 मिनट्स के लिए। Now let's have tea। मिल गया आपको बलून? खुश हो? बिगड़ क्या बनाना है? देखो सोफा का कवर उतरा हुआ है। माही दिन भर सोफे में उछल कूद करती रहती ना, मुझे इसकी गद्दियाँ चेंज करानी है, पर मैं अभी थोड़ा सा रुक गई हूँ कि अभी रुक जाऊँ, क्योंकि अगर नई गद्दी भी लगाएंगे तो माही का ना उसमें कूदना ही है, और पूरा दिन ये गद्दियों में कूदती रहती है, तो इसीलिए वो मिसमैनेज भी रहता है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ क्यों चढ़ी हुई हो? किस लिए? किस लिए? आपने चलाया था मुझे। तो मैं तो बोल रही हूँ उतर जाओ, मुझे खाना बनाना है अब। क्यों? इसलिए नहीं खाना बनाऊंगा। रबर कहाँ से आ गया? रबर मेरे को दे दो। मुझे दे दो, मैं ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ। नहीं दे दो ना प्लीज। प्लीज। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 7 बज गए और मौसम बाहर का देखिए कैसा हो गया। मुझे देखने दो। और हमारे ना सामने देखिए वो मंदिर है, हवा थोड़ा तेज आ रही है, हवा चल रही है बहुत जोर की, देखिए आवाज आ रही है। शोर मत मचाओ भाई का। कुछ नहीं खुश होंगे, ये देखिए हमारे घर के किचन की खिड़की के सामने ना ही मंदिर दिखता है, और ये रात में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि इसकी लाइटिंग कर देते हैं इस तरह से। तो पॉसिबल हुआ तो मैं रात का भी दिखाऊंगी, और अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया। ये देखिए हवा आ रही है, बहुत ज़ोर की हवा आ रही है। मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर नहीं हो रही क्योंकि बहुत ज़ोर की हवा आ रही है इस खिड़की से। और वापस टू माय गॉड। चलिए यार खाना बनाते हैं, ऐसे तो बस मौसम का मज़ा लेते लेते 8 बज जाएंगे, है ना माही? हाँ। शोर क्यों मचाती हो इतने जोर से? हाँ मामा। मैं तो पकी। ये मुझको दे दो, ये तो बहुत आप खाते हो, मेरे को दे दो, मैं तो नहीं खाती हूँ ना, मेरे को चाहिए। मम्मा से शेयर नहीं करोगे? हंस क्यों रहे हो? क्यों हंस रहे हो?
मोनू मौसी, मोनू मौसी की याद कहाँ से आ गई अभी? चलो मोनू मौसी को हाय कर दो। हाँ क्या हुआ, खास क्यों रही होती? हाँ खाना बनाना है। हाँ खाना बनाने में कर दो मदद। ये पीठ दिखा के कहाँ भाग गए, पीठ दिखा के भाग गए। बिल्कुल चुप हो जाओ, दिन भर चटर बॉक्स की तरह चटर पटर चटर पटर करती रहती है। इतना शोर मचाती हो तुम, ये पंगे ले रही, मैं फोड़ दूँ का बलून? फोड़ दूँ? नहीं, फोड़ देती हूँ, फोड़ देती हूँ। सॉरी बोलो, सॉरी बंदू। कान पकड़ के बोलो, कान पकड़ के। सॉरी मम्मा। कान पकड़ के बोलो, ऐसे नहीं, अच्छे से कान पकड़ो, नहीं तो फोड़ दूंगी इसको। ऐसे पकड़ो, अच्छा लो, तेज करो। ओके सॉरी मम्मा। अब तो नहीं शो मचाओगी ना? हाँ। अभी लिखोगी? हाँ अभी तो आ गया, ऐसे ही लिखोगी अब? कैसे करोगी? जैसे करोगी मुझे क्या पता, चलो काम करते हैं। बहुत अच्छी हवा आ रही है तो गर्मी बिल्कुल नहीं लगने वाली है। आज रोटी बनाने का तो मज़ा ही आ जाएगा। ओह माय गॉड, कितना हैवी है ये। ये मेरा पत्थर का है, मैं आपको वो व्यू दिखाती हूँ किधर का, मंदिर का। ये देखिए, ये रात में ना मंदिर बहुत बहुत सुंदर लगता है, लाइटिंग हो जाती है ना। और ऊपर भी क्या आसमान, हवा बहुत तेज चल रही है, मेरी आवाज भी आपको सुनने में आ रही थी तो हवा की आवाज भी आ रही है, बहुत अच्छी आवाज है। मन कर रहा है ऐसे बैठी रही, अभी 5 मिनट तो 10 मिनट तो मैं ऐसे बैठी रही, मंदिर की तरफ देखती रही। देखो यहाँ इस तरह से बैठी रही, मंदिर की तरफ देखती रही और पता नहीं क्या सोच रही थी। अच्छी आ रही ना हवा, बहुत अच्छी हवा है। और एक और दिखाऊं, बैठ गया ऐसे और ये बहुत देर से बैठी हुई है। अरे दादा चिड़िया, चिड़िया रानी, चिड़िया रानी कहो कहाँ से आई हो। देखो तो हवा में हिल रही है, वो मनी प्लांट का पत्ता हिल रहा है ना हवा, क्योंकि उस तरफ आ रही है तो ये हिल रही है। चिड़िया रानी, चिड़िया रानी हिलती रही ये हवा की वजह से हिल रही है। हाँ मैं खाना ही बनाना चाह रही हूँ, मतलब मेरे को चैन ना लेने दो। हाँ मैं 2 मिनट चैन से बैठ जाऊँ तो आप लोगों को डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ अच्छा सही में प्रॉब्लम हो जाती है। ये बलून का पैकेट लेके घूम रही है पूरा। चलो अब मैं बना रही हूँ खाना यार। एक बलून फ्लाया हुआ है ना उससे खेल लो, दूसरा बलून आप संभाल दो, बाद में खेल लेना उससे। अरे तो बाबा एक जो बलून फुलाया हुआ है ना भी उससे खेल लो, दूसरा बलून जो नहीं फुलाया है उसको रख दो संभाल के, बाद में खेल लेना, जब वो वाला फूट जाएगा तो इसको फुला लेना। हाँ, जब पापा का बर्थडे होगा। पापा का बर्थडे को तो बहुत टाइम अभी। कर दिया है, मैरिनेट करके उसको सेट कर दिया है। ओवन मैंने प्री हीट करने लगा दिया है, इसको मैं ओवन में डालूंगी 10-15 मिनट्स के लिए। और ये घंटियों की मंदिर में आरती हो रही है तो आवाज़ आ रही है घंटियों की, और अंदर नंदन माहिका को पढ़ा रहे हैं। और बटर भी रखा है मैंने, इसको पीस पीस करके इसके ऊपर डाल दूँगी, तो मैं थोड़ा सा बटर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दूँगी, छोटे छोटे चंक्स, ताकि वो मेल्ट होकर फिर इसके ऊपर कोट हो जाए। और बाकी ये सब कुछ हो गया है, ये थोड़ा सा प्रीहीट होगा, उसके बाद इसको मैं डाल दूँगी ओवन में बेक होने के लिए 15 मिनट्स। और मंदिर में आरती हो रही है तो उसकी आवाज़ आ रही है। देखिए रेडी हो गया है और ओवन भी गर्म हो गया। देखिए तो मैं इसको इसमें
ओहो वन एट्टी पे कर दिया मैंने इसको सेट। मैं इसको इसको थोड़ा पलटना ही पड़ेगा क्योंकि एक तरफ तो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, दूसरी तरफ बलून फूट गया मायका भाई। एक तरफ तो क्रिस्पी हो जाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा पलट देंगे, थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे कर देंगे, तो जिससे क्या होगा कि दूसरी तरफ भी क्रिस्पी हो जाएंगे। बाकी ये कुक तो ऑलरेडी हो चुके हैं। चलिए माँ ही क्या कर रही देख के आती हूँ। ए लिखा, अब बी लिखो, यहाँ पे पहले ए लिखो और देखते जाओ। ओके, जो मैंने यहाँ पे ए लिखा ना वैसे ही लिखना, पापा ने भी ए लिखा है। हाँ हाँ, आप भी लिखो ए। ये देखो, तो अभी रेड लाइन के ऊपर क्यों लिख रहे हो, इसको यहाँ से मिटाओ, रेड लाइन के नीचे लिखना है ना। हाँ चलो आप लिखो ए। चलो मैं लिखता हूँ। यहाँ पर नहीं, फिर कहाँ? यहाँ पे लिखो। ठीक है, अच्छा अब भी लिखो, अभी डॉट तो लिखो। नहीं, आप अपने से डॉट बनाओ ना माई, मेरे को डॉट नहीं बनाना चाहिए, मम्मा हर जगह थोड़ी रहेगी। लिखो अरे क्यों डॉट बना रही हो? सीधा लिखो ना बाबा। हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है फिर भी। खुशबू कैसी आ रही है बताओ? अच्छी आ रही है। पसंद आई है आपको? ओके। ये तो बस ये ऐसे चिकन के जैसे लग रहा है। कैसा लग रहा है? चिकन के जैसे। चिकन जैसा लग रहा है। तो गाइस ये हमारा हो गया, और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। मायका को तो पसंद आ रही है इसकी खुशबू भी, और ये कह रही है चिकन जैसा लगता है। माई बोल रही चिकन जैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, हम करते हैं अपना डिनर, और ये खुशबू से ही बहुत डिलीशियस लग रहा है। और माई का देखो अभी से ही नहीं, तो अदरवाइज ये सब्जी खाती नहीं है, पर इसको ये चीज़ पसंद आती है। पसंद आ रहा माई आपको? हाँ, मैं सब्जी भी तो खाती हूँ। हाँ आप सब्जी भी खाते हो, सॉरी मैं माई का की बुराई नहीं कर सकती उसके सामने। मुझे भूख लगी थी। भूख लगी थी आपको? पसंद आ रहा है ना? तो फ्रेंड्स चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। सो गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए किसी भी वजह से तो लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करने में थोड़ा कंजूसी करते हैं। अच्छा आप ही हो टेस्ट करने के लिए? हाँ। तो चलिए मायका से भी मिल लीजिए, टेस्ट कर रही हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। माही बाय बाय बाय।